दो रास्ते हैं। भाजपा ने जो षड्यंत्र बिछाया है उसको जवाब देने के दो रास्ते हैं। सबसे पहला कि या तो हम इनके षड्यंत्र में फंस जाएं और इनके षड्यंत्र में फंसकर ये चाहते ही ये कि केजरीवाल जी को खत्म करना, ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से केजरीवाल त्याग पत्र दे दे, रिजाइन कर दे, ये सरकार को फिर धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं, पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। तो इनके षड्यंत्र के उत्तर देने के दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि इनके षड्यंत्र में फंस जाना, इनके षड्यंत्र में फंस कर इनके हिसाब से अगर ये जेल में डालते हैं तो रिजाइन कर देना, इससे तो इनकी जीत हो जाएगी, इससे तो इनका षड्यंत्र कामयाब हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इनके षड्यंत्र को कामयाब होने देना चाहिए? आपको क्या लगता है कि हमको रिजाइन करनी चाहिए? आपके पास दूसरा तरीका है, इनके षड्यंत्र और राजनैतिक जोड़ तोड़ का जवाब इनके तरीके से ही देना चाहिए, इनको इनके ही जाल में फंसाना चाहिए। जो दवाई इनको ये दूसरे को देते हैं वही दवाई इनको देनी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा मैं? इनके षड्यंत्र के दोनों जवाब हमारे पास है। आज हम क्या निर्णय लेते हैं, पार्टी क्या निर्णय लेती है, ये इसी बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में हम ऊपर जाएंगे या हम नीचे जाएंगे। आज हम सारा संगठन, सारे लोग केजरीवाल सर ये चाहते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी कर ले, जो मर्जी अन्याय कर ले, अगर वो आपको गिरफ्तार भी करते हैं तो आपको रिजाइन नहीं करना है। और ये कई बार आप भावुक हो जाते हैं, आप नैतिक मूल्यों का आह्वान करके आप ऊंचे निर्णय लेंगे, आप कहेंगे कि मैं जेल गया हूं तो मैं रिजाइन कर दूं, ये अधिकार अब आम आदमी पार्टी आपको नहीं दे रही है। अब ये हम तय करेंगे, ये कौन तय करेगा कि रिजाइन करना है केजरीवाल जी को? नहीं, संगठन तय करेगा, आप सारे तय करोगे। सर, आज की ये मीटिंग का मुख्य उद्देश्य, बहुत सारे हमारे साथी हैं वो आपसे बात करना चाह रहे थे, वो अपनी बात आप तक रखना चाह रहे थे, हम सारे और सारे लीडर तो बोलते ही रहते हैं। आज मैं, अगर आप अनुमति दें तो अपने संगठन के और वॉलंटियर से कुछ लोगों से उनके प्रश्न ले सकता हूं। तो मैं चाहूंगा कि कुछ लोग जो यहां पर हैं वो हाथ उठाएंगे, जिनको जिनको मैं आइडेंटिफाई करते जाऊंगा, बताते जाऊंगा उस एरिया से, ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ चलते चलेंगे। आप अपनी बात को 2 मिनट में संक्षिप्त तरीके से रखिएगा, मेरा यही आपसे अनुरोध है। जिनके पास माइक है प्लीज यहां से माइक दीजिएगा, प्लीज गो अहेड। हेलो, हेलो, नमस्कार। मैं जिला सचिव रोहिणी मुंडा, नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं जिला सचिव रोहिणी से, मुंडका विधानसभा मेरा कार्य क्षेत्र, सुल्तानपुर माजरा मेरा रिहायश क्षेत्र। सर, वैसे तो आपको कोई भी षड्यंत्र में नहीं फंसा सकता, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे, एक समझदार इंसान हैं, अच्छे बुरे का आपसे ज़्यादा कोई ज्ञाता नहीं है। आज भाजपा आपके पीछे आपके अच्छे कामों के लिए लगी है। आज दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को आपके अच्छे कामों की वजह से जानता है। आज दिल्ली की जनता, देश और दुनिया आपके कामों की वजह से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को जानती है। बीजेपी चाहे कितने भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन आपको रिजाइन नहीं करना है सर, पूरी पार्टी आपके साथ है। और इस देश को चौथी पास राजा नहीं चाहिए, एक पढ़ा लिखा राजा चाहिए। इस देश को एक पढ़ा लिखा राजा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए आप रिजाइन नहीं करेंगे सर, ये हम सभी कार्यकर्ताओं की आपसे गुहार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब इनकी राय से सहमत है क्या? हम सारे सहमत है इनकी राय से?
क्या केजरीवाल जी को रिजाइन करनी चाहिए? अगला प्रश्न ले लेते हैं। जी सर आप बताइए। जैन सर, मैं ललित यादव, जिला अध्यक्ष रोहिणी से। सर माधीपुर विधानसभा मेरा गृह विधानसभा है। सर आपकी बदौलत आज मेरे जैसे एक आम कार्यकर्ता की पहचान है सर, क्योंकि हमारी पहचान काम है, हमारी पहचान धर्म की राजनीति नहीं है सर। सर पूरी जब 2015 में हमने स्कूल में उसमें जाते थे, जब बच्चे ये कहते थे कि हमारा भविष्य क्या होगा सर, आज वो बच्चे हमारी जो है ना जाते हैं स्कूल में तो हमारे से मिलते हैं इतने घुल मिल के सर कि आज हमारी आंखों से पानी निकल पड़ता है कि आज वो जो प्राइवेट स्कूल होते थे आज हमारे जो है सरकारी स्कूल उनसे उत्तम हो गए सर। अस्पतालों में सर जो ट्रीटमेंट हमारे माधीपुर विधानसभा में 980 बिस्तरों का अस्पताल बन रहा है सर, आसपास की जनता आपके लिए इतना कह रहे हैं क्योंकि 25 वर्षों में जहाँ अस्पताल नहीं बनते थे आज वहाँ आपके 3 वर्ष में अस्पताल बने सर। और भाजपा आपको नहीं हरा सकती सर दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में वो ये षड्यंत्र करना चाह रही है कि हमारी पार्टी को समाप्त करेगी, लेकिन सर एक ही आवाज़ पे सारे कार्यकर्ता आपके साथ है सर। सर भावना के बह के हम जो है ना सर हम आपसे निवेदन करेंगे सभी कि आप रिजाइन मत करना सर, आप रिजाइन मत करना सर, आपके साथ पार्टी जिंदा रहेगी, एक पार्टी का कार्यकर्ता आपके साथ है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप सारे इनकी बात से सहमत हैं? बहुत अच्छे। अगला आगे से ले लेते हैं वहां से। नमस्कार अरविंद सर, और मंच पे उपस्थित हमारे सारे शीर्ष नेताओं को मेरा नमस्कार, सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। सर मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है, मैं लक्ष्मी नगर विधानसभा से हूँ और यूथ विंग के अंदर दिल्ली प्रदेश में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। सर आप जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी एज ए कार्यकर्ता, तब से लेकर आज तक मैंने ये देखा जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो लोग हमें बहुत सम्मान से देखते हैं और हमारी पार्टी की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है जिसने जनता को विश्वास दिलाया कि अगर आप ईमानदारी से काम करें तो सारे काम होते हैं। और हमारी पार्टी ने जितने वादे किए जनता से सारे पूरे किए, उसी की बदौलत 2 बार % बहुमत मिला हमारी पार्टी को, जो कि इतिहास बन गया राजनीति के अंदर। उसके बाद पंजाब में भी हमने इतिहास रचा सिर्फ अपनी ईमानदारी से काम के ऊपर। और जब भी हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता हमें बहुत सराहती है, हमारी पार्टी के काम को बहुत सराहती है और हम भी बहुत गर्व महसूस करते हैं। लेकिन आज जो देश की स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक हो गई है, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी की जो केंद्र सरकार है जिस तरीके से तानाशाही से सरकार चला रही है और लोकतंत्र की हत्या करके ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके जितने भी नेता हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं या फिर अडानी के खिलाफ बोलते हैं, उनका ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके उनको जेल भेज रहे हैं, ये आज देश के लिए बहुत ही चिंताजनक है। आज हमारे जो मनीष जी जिन्होंने शिक्षा के लिए इतना काम किया, आज जिन्होंने गरीब बच्चों को शिक्षा दी, हमारे सत्येंद्र जैन जी जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले, गरीबों को इतना अच्छा इलाज दिया, हमारे संजय भैया जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा संसद में आवाज उठाते रहे, आज उन्हें जेल में भेज दिया गया, ये बहुत ही चिंताजनक है। सर मैं एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारा एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है, अगर आपको ये जेल भेजने की कोशिश करते हैं तो आप घबराइएगा नहीं, हम सब आपके साथ हैं, आप संघर्ष कीजिए हम आपके साथ हैं। लेकिन मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है अपनी तरफ से भी, और मैं जब जनता के बीच जाती हूँ तो उन्होंने भी ये मुझसे कहा था, जब उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता सम्मेलन में जा रही हूँ तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक बार अरविंद जी से कहिएगा कि इस बार आप किसी भी हालत में चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हो जाए रिजाइन नहीं कीजिएगा, अगर जेल भरनी पड़ी तो एक एक कार्यकर्ता जेल जाएगा क्योंकि जनता हमारे साथ है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप सारे इनकी बात से सहमत हैं? भाजपा तो चाहती है कि केजरीवाल जी रिजाइन करें, हमको रिजाइन नहीं कराना है, हमको जेल से सरकार चलानी है। कहां से चलाएंगे सरकार? जेल से। क्या दिक्कत है? जेल पे फाइलें आएंगी, जेल पे साइन करेंगे, जेल से सरकार चलेगी, इनकी छाती में चढ़ के वही दाल डालना है, लेकिन रिजाइन। अगला प्रश्न मैं लूंगा इधर से। हेलो हेलो हेलो
सभी साथियों को जय हिंद। मैं अमित कुमार जिला सचिव हूं सर करोल बाग से। सर 2015 में आपकी जब सर सीट की सरकार बनी थी तो आपने इतना काम किया कि मोदी जी डर गए। उन्होंने ये सोच लिया कि इनको अब हराना मुश्किल है, तो इन्होंने हमारे विधायकों को तोड़ना कोशिश किया, उसमें भी ये फेल हो गए। तो मोदी जी और शाह ने मीटिंग किया कि एक काम करते हैं, इनकी पार्टी को बर्बाद करते हैं। कैसे? इनके कामों को फर्जी बताते हैं, पॉलिसी को फर्जी बताते हैं। मोदी जी को ये ध्यान देना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल आंदोलन से निकले नेता हैं, उनके साथ आप कभी भी षड्यंत्र नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा सर कि कृपया रिजाइन मत कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जेल से ही सरकार क्यों ना चलानी पड़े, आप जेल से ही सरकार चलाइएगा। हम सब आपके साथ हैं, दिल्ली से सारे कार्यकर्ता आपके साथ हैं, पूरे देश के कार्यकर्ता आपके साथ हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी। कहां से चलेगी सरकार? कहां से चलेगी सरकार? किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है क्या? जेल से चलाएंगे सरकार, इनकी छाती में चढ़ के वहीं से दाल डलेंगे। भारत माता की। अगला प्रश्न, माइक दे दीजिए उनको। सर नमस्कार, मैं पूर्णिमा गुप्ता जिला उपाध्यक्ष आदर्श नगर जिला शालीमार बाग मेरी विधानसभा पड़ती है। सर आप शुरू से अच्छे काम करते आए हैं और अच्छे कामों से ही मोदी जी डरते हैं, और वो इस समय इतनी बुरी तरह डरे हुए हैं कि वो किसी भी तरह कोई ना कोई षड्यंत्र रचकर आपको जेल भेजना चाहते हैं, जैसे उन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व के सभी विधायकों मंत्रियों सबको एक एक करके जेल में डाल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम टूट जाएंगे, पर सर हम टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास आपके जैसी एक सच्ची शक्ति है। भगवान भी सच्चे व्यक्ति का साथ देता है। तो सर मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही विनम्र विनती है, यदि आपको वो जेल में भी डाल देते हैं तो सर आप वहीं से सरकार चलाइएगा, हम सब आपके साथ हैं। और सर एक बात कहना चाहूंगी, अरे करने दो उन्हें बवाल हमारी ढाल केजरीवाल, अरे करने दो उन्हें बवाल हमारी ढाल केजरीवाल। नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद। तो क्या आप सारे सहमत हैं इनकी बात से? सारे सहमत हैं? अभी इस ब्लॉक से ले लेते हैं एक। माइक दे दीजिए उनको। बोलिए। माइक दे दीजिए उनको। जैन सर, मैं एक आम आदमी पार्टी का सिपाही हूं, ब्रह्मपाल रावल मेरा नाम है। सर मेरे हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि आपको किसी भी हालात में इस्तीफा नहीं देना है, और जैसा कि मेरे सभी साथियों ने आपसे निवेदन किया, मैं बताना चाहता हूं कि मोदी तो इतना डर चुका कि आम जनता में इतनी चर्चा है कि वो सब हथकंडे अपना चुका, हमारे कई नेताओं को यातना देकर जैसे तैसे हर तरह से कोशिश कर चुका, जो कि हमारे नेता जेल में है, कोई भी हमारे नेता किसी भी तरह से बिके नहीं, टूटे नहीं, किसी भी षड्यंत्र पूरे षड्यंत्र रच लिए। तो इसलिए वो तो अपना लास्ट कोशिश कर रहा है कि अरविंद जी को किसी तरह तोड़े, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। सर हमारा विश्वास है कि हमने मोदी जी को 80% तो निमटा दिया, बहुत थोड़ी सी बात है, बस 20% का हमारा संघर्ष है। एक दिन वो दिन दूर नहीं जब आप PM बनेंगे। हमारा ये निवेदन है आपसे कि तब तक आप PM नहीं बनेंगे तब तक दिल्ली के CM से इस्तीफा नहीं देंगे। सर हाथ जोड़कर हमारा यही निवेदन है, तब तक चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको जेल में भेजे, आपके साथ पूरी पार्टी आपके साथ है, एक एक वॉलेंटियर आपके साथ है। वॉलेंटियर साथ नहीं सर, हम चर्चा करते हैं, 80% आम लोग भी आपके साथ हैं। आप लोगों आम लोगों ने आप में एक विश्वास जिताया, आपसे ही एक आस है कि 70 साल हो गए सर, ये सरकारें BJP कांग्रेस आती रही, लेकिन जब से आप CM बने तब से आम आदमी के जो दुख दर्द को आपने समझा,
और उनके लिए पॉलिसी बनाई, तो आम आदमी को आप पर ही सिर्फ विश्वास है, सिर्फ आप पर ही विश्वास है। और सर मेरा पुनः, जैसा कि आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जिद है, तो इसी तरह मैं एक आपका छोटा भाई होने के नाते एक मेरी भी जिद है कि तब तक ये आम जनता आपको पीएम नहीं बना देती, तब तक आप दिल्ली का सीएम रहेंगे, हर हाल में रहेंगे, चाहे जहां भी हो वहीं रहेंगे, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। सर जय हिंद, यही मेरी निवेदन है आपसे, प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। आप सब ने सुना कि ये क्या कह रहे हैं, क्या आप सारे इनकी बात से सहमत है? क्या हमको नरेंद्र मोदी के षड्यंत्र में फंसना चाहिए? क्या केजरीवाल जी को रिजाइन करनी चाहिए? इनके छाती में चढ़ के दाल दलनी चाहिए। इनको जो दवाई दूसरे को देते हैं वही दवाई इनको देनी है। आज सही और गलत, सच्चाई और झूठ का कोई मुद्दा ही नहीं है, ये पूरा केस सिर्फ राजनीति है। राजनीति में मोदी जी उधर से चाल चल रहे हैं, राजनीति में इधर से हमें भी चाल चलनी पड़ेगी। इनको जो बात समझ आती है उसी बात से समझाएंगे। इन्होंने कोशिश की कि दिल्ली में केजरीवाल को रोक ले, ये फेल हो गए। फिर इन्होंने सोचा कि यार पंजाब में रोक लो, फेल हो गए। फिर इन्होंने सोचा कि गुजरात में इनकी जमानत जब्त करा दो, ये फेल हो गए। उसके बाद गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरे देश में दिन दूनी रात चौगनी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी जी को अब समझ आना बंद हो गया है। उन्होंने अपना अंतिम वार किया है, उन्होंने प्लान बनाया है कि केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाल दो और पार्टी को तोड़ दो। उनको ये मालूम नहीं है, अभिमन्यु समझा हुआ है, अभिमन्यु नहीं है। हमको चक्रव्यूह में जाना भी आता है और तोड़ के आना भी आता है, बाप है बाप। सारे सहमत हो मेरी बात से? हम सबको आज केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट करनी है कि सर जो मर्जी हो जाए आपको रिजाइन नहीं करना है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि सारे अपनी जगह से खड़े होकर केजरीवाल जी से निवेदन करेंगे कि रिजाइन, रिजाइन, रिजाइन। सरकार कहां से चलेगी, कहां से चलेगी?